चलो बच्चों, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें साइंस का, लाइफ प्रोसेसेस। हमने आगे के वीडियोस में हमारे लिए ज़रूरी दो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझा था, एक न्यूट्रिशन के बारे में और दूसरा रेस्पिरेशन के बारे में। आज हम लोग तीसरी लाइफ प्रोसेस समझें, आगे दूसरी लाइफ प्रोसेस हम लोग समझें। तो अब लाइफ प्रोसेस हमें समझनी है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब और सिंथेसाइज इन वन पार्ट ऑफ बॉडी आर ट्रांसपोर्टेड टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। के अलग अलग तरह के सब्सटेंस वो हमारे बॉडी के कोई एक पार्ट में एब्जॉर्ब या सिंथेसाइज होते हैं, मतलब कोई एक पार्ट में उनके ऊपर प्रोसेस होती है, वो तैयार होते हैं, और फिर वो सब्सटेंस दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। मतलब जैसे हम लोग अगर फूड लेते हैं तो वो हमारे स्टमक में, हम लोग इजीली ऐसा समझते हैं ना कि हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें डाइजेस्ट होता है, फूड उसमें डाइजेस्ट होता है, हमने न्यूट्रिशन में समझा था। और वहाँ जो फूड डाइजेस्ट होता है उनमें जो एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी फिर पूरी बॉडी में पहुँचती है ना। मतलब एक पार्ट में कोई अगर चीज़ तैयार होती है तो वो बाकी के पूरे पार्ट में पहुँचती है। इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं बाकी की पूरी बॉडी में वो पहुँचे। तो जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, कल हमने उसमें समझा था कि जब हम ब्रीथिंग लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुँचता है, और फिर लंग्स में ब्लड के थ्रू फिर जो है वो पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन पहुँचता है, वो ऑक्सीजन फिर पूरी बॉडी में पहुँचेगा। इस मेथड को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो दो लिक्विड हेल्प करते हैं, दो लिक्विड हैं जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वर्क करते हैं, हमें हेल्प देते हैं। वो एक है ब्लड और दूसरा लिम्फ। ब्लड, हमें पता है हमारी बॉडी में ये ब्लड वो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ा मीडियम है। ये ब्लड के थ्रू ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में है, पूरी बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन इस ब्लड की वजह से, ये ब्लड की वजह से ही होता है, और इनकी वजह से जो भी ज़रूरी मटेरियल हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गेन को चाहिए वो ऑर्गेन को ये ब्लड पहुँचाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन देता है? ब्लड। और दूसरा लिम्फ, इनके बारे में डिटेल में समझेंगे हम लोग, लेकिन लिम्फ के बारे में एक सिंपल बता दूं, लिम्फ ब्लड की तरह ही सिमिलर कहलाता है, सिर्फ फर्क यह होता है कि लिम्फ के अंदर है ना रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, वो रेड कलर का नहीं होता, वाइट कलर का होता है। लिम्फ का आपको एग्जांपल दूं तो आपको ये ध्यान होगा कि आपको कभी कभार कोई फुंसी निकल जाती है, हाथ पे, मुंह पे, कहीं पर भी कोई एक फुंसी निकलती है ना, जब वो फुंसी जरा सी फट जाए ना तो उसमें से वाइट कलर का लिक्विड निकलने लगता है, थोड़ा थोड़ा वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में परू या कुछ कहते हैं, परू कहते हैं उसे, वही परू वो हमारा लिम्फ कहला है। ये लिम्फ वो ब्लड की तरह ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प देता है। तो इनके बारे में समझें, सबसे पहले ब्लड के बारे में समझें कि ब्लड क्या है। तो कहते हैं ब्लड इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये एक तरह का फ्लूइड है, लिक्विड है, कनेक्टिव टिश्यूज है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, ये ऐसा एक टिश्यू है। ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड में क्या क्या आया हुआ है, तो ब्लड में मेनली फ्लूइड मीडियम जिसे प्लाज्मा कहते हैं, लिक्विड मीडियम जो प्लाज्मा आया हुआ है मेन, दूसरा रेड ब्लड कॉर्पल्स मीन्स रेड ब्लड सेल्स आए हुए हैं, या वाइट ब्लड कॉर्पल्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स उनमें होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हमें बीमारियों से बचाने के लिए हेल्प देते हैं, और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, या तो प्लाज्मा के अंदर आए हुए कुछ प्लेटलेट्स, कुछ छोटे छोटे कण, ठीक है, छोटे कण कहते हैं, मतलब वो प्लेटलेट्स आए हुए हैं। ब्लड के अंदर मेनली ये 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। और ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजीनियस वेस्ट एट्सेट्रा। ब्लड हमारी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है,
और बॉडी के हर एक ऑर्गेन में से लाना और ले जाने का काम वो इस ब्लड का है। हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली ये ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। ये ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही हमारी बॉडी के सभी ऑर्गेन्स काम करते हैं। अगर ये ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, एक पल के लिए भी अगर कहीं पर रुक जाए ना, तो हमारी बॉडी, पूरी बॉडी काम करना बंद हो जाएगी। कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है ना। और ये ब्लड सर्कुलेशन को चलाता कौन है, ये ब्लड सर्कुलेशन को कौन चलाता है? तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलाने के लिए जो ऑर्गेन हेल्प देता है ना, वो है हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट, हमारा हार्ट। हमारा हार्ट जो है, हार्ट वो ब्लड सर्कुलेशन करने का काम करता है। हार्ट है ना, एक पंप की तरह काम करता है, कंटिन्यूसली एक पंप की तरह काम करता है। और उनकी वजह से, वो पंप की वजह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड अलग अलग जगह पर पहुंचता है और वहां से पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट में कलेक्ट भी होता है, ठीक है ना। ये हार्ट, अब हम लोग इनके बारे में समझे, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पहले समझे, हार्ट कैसा दिखता है, उसमें कितने ऑर्गेन्स, क्या पार्ट्स होते हैं, वो पहले समझे, फिर हार्ट के प्रॉपर फंक्शन समझते हैं कि हार्ट कैसे काम करता है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, वो समझे। पहले उसका स्ट्रक्चर समझ लें कि हार्ट के पार्ट्स कितने हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखो ना, सबसे पहले उसकी पोजीशन पता है, हार्ट कहाँ पर आया हुआ है, सबको ध्यान होगा ना, हार्ट कहाँ पर है, तो हार्ट हमारे लेफ्ट साइड पे, लंग्स में स्लाइटली लेफ्ट साइड पे आया हुआ है। और हार्ट की साइज कितनी होती है, तो कहते हैं हर इंसान के हार्ट की साइज वो उसके फीस्ट जितनी होती है, मुट्ठी जितनी। अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करके रखो ना, तो आपकी मुट्ठी की जितनी साइज हुई ना, इतनी साइज का हार्ट ही आपके अंदर है। भले वो छोटा बच्चा हो तो उसकी मुट्ठी जितना, और बड़ा कोई इंसान हो तो उसकी मुट्ठी जितना। हमारी बॉडी में हार्ट वो एक फीस्ट साइज का होता है सिर्फ। और हमारा जो हार्ट होता है ना, वो हार्ट फोर चैम्बर्ड है। फोर चैम्बर्ड, चार पार्ट में बना हुआ, चार टुकड़ों में बना हुआ, ये फोर चैम्बर्ड कहलाता है। ये फोर चैम्बर्ड इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरह के ब्लड होते हैं, दो तरह के ब्लड को पंपिंग करने का काम ये हार्ट करता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन मिक्स किया हुआ ब्लड, जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं ना, ऑक्सीजन वाला ब्लड। और दूसरा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वेस्ट ब्लड, खराब ब्लड जो हम लोग कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे दो टाइप के ब्लड होते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में होता रहता है। और ये दोनों ब्लड अलग अलग मेथड से ट्रांसपोर्ट हो ना, इसकी वजह से हमारा हार्ट चार चैम्बर का बना हुआ होता है। फोर चैम्बर्ड होते हैं इसमें, चार पार्ट, जिसे चार चैम्बर कहते हैं। कितने सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनमें जो है वो दो चैम्बर या तो तीन चैम्बर होते हैं, टू चैम्बर या तो थ्री चैम्बर्स हार्ट होते हैं। हमारा फोर चैम्बर्ड हार्ट है कि जिनकी वजह से, ह्यूमन में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है कि जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, खराब ब्लड और सही ब्लड, ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते इन फोर चैम्बर्ड की वजह से। कितने एनिमल्स होते हैं उनमें थ्री चैम्बर या तो फोर चैम्बर्ड होते हैं, जैसे फिशेज हैं, फिशेज में सॉरी कितने एनिमल्स के टू चैम्बर्स होते हैं या तो थ्री चैम्बर्स होते हैं, जैसे फिशेज होते हैं कि फिशेज में जो है वो टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, टू चैम्बर्ड। और उनमें कितनी वजह, कितनी बार उनमें ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, और उनमें ट्रांसपोर्टेशन की फिर अलग प्रोसेस चलती है। लेकिन हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में फोर चैम्बर्ड होते हैं, जिसमें जो ऊपर के दो चैम्बर होते हैं ना, उसे कहते हैं एट्रियम। ऊपर के दोनों चैम्बर्स को क्या कहते हैं, एट्रियम्स कहते हैं, जिनमें इस तरफ आया हुआ राइट एट्रियम और इस तरफ आया हुआ लेफ्ट एट्रियम, ऊपर के दो चैम्बर वो एट्रियम्स कहलाते हैं। इनके बाद नीचे के जो दो चैम्बर्ड होते हैं ना, वो दोनों चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। नीचे के दो चैम्बर वो क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ये वेंट्रिकल्स, इस तरफ आया हुआ राइट वेंट्रिकल और इस तरफ आया हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन दोनों चैम्बर्स के बीच में एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ जो आप ये वाइट पोर्शन देख रहे हो, एक वॉल, एक दीवार की तरह, या समझो एक दरवाजे की तरह होता है,
जिसे वाल्व कहते हैं, जिसे वाल्व कहते हैं। ये वाल्व क्या काम करता है कि जब ब्लड एक ऑर्गेन से, मतलब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आता है ना, तब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आता है, तब ये ब्लड को रोकता है कि भाई जितना ब्लड जरूरी हो उतना ही ब्लड यहाँ पर आता है। या ब्लड जब एक बार एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन में आया, जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंचा, तब वो राइट वेंट्रिकल से वापस ब्लड उल्टा में चला जाए, तो उसे रोकने का काम ये वाल्व करते हैं। ये एक तरह की दीवार करती है। जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में जो ये वाल्व आया हुआ होता है ना, ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस वाल्व को कहते हैं ट्रिस्क्यूपिड वाल्व। ट्रिस्क्यूपिड वाल्व इस वाल्व को कहते हैं। उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व आया हुआ होता है, उस वाल्व को कहते हैं मिट्रल वाल्व। मिट्रल या तो कहते हैं बिस्क्यूपिड वाल्व, यहाँ पे ट्रिस्क्यूपिड या तो ट्राइस्क्यूपिड कहते हैं। इसका मतलब ये थ्री लेयर का वाल्व होता है राइट साइड पे। राइट साइड पे कितनी लेयर का? थ्री लेयर का वाल्व होता है, जिसे ट्रिस्क्यूपिड वाल्व कहते हैं। और लेफ्ट साइड पे यहाँ जो वाल्व, ये जो दीवार बनी हुई होती है, वो टू लेयर की होती है, इसलिए उसे कहते हैं बिस्क्यूपिड वाल्व। यहाँ मिट्रल वाल्व लिखा हुआ, वो भी या तो बिस्क्यूपिड वाल्व कहते हैं। समझ रहे हो? इनमें राइट साइड पर जो होता है उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड, या तो कहो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उनमें हमेशा कौन सा ब्लड होता है? डी ऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर ब्लड। पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड यहाँ पर आता है, और पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड कौन लेकर आता है? तो वो लेकर आते हैं वेना कावा। जो जो नसें, हम लोग सिर्फ नस कह सकते हैं ना, हमारी बॉडी में जो अलग अलग नसें आई हुई होती हैं, कि जो नसें पूरी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लेकर आती है, उन नसों को कहते हैं वेना कावा। क्या कहते हैं? वेना कावा। तो ये वेना कावा पूरी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके यहाँ राइट साइड पर लेकर आती है। ये भी वेना कावा दोनों तरफ, हार्ट के ऊपर की तरफ से जो आते हैं उसे सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, हार्ट की नीचे की तरफ से जो ये नसें आती हैं उसे कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। आपसे वेना कावा याद रखो कि वेना कावा वो नसें कहलाती हैं जो पूरी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आती है। फिर हार्ट क्या करता है कि सबसे पहले हार्ट में ये इम्प्योर ब्लड पहुंचता है ना, तो हार्ट वो इम्प्योर ब्लड को लंग्स में भेज देता है। किस में भेजता है? लंग्स में। वहां लंग्स उस ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं लंग्स में। इसमें आपको कल की थियरी याद होनी चाहिए कि कल हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस देखी थी ना, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमने समझा था कि हमारे लंग्स में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो आखिरी पार्ट एल्वेओली तक ऑक्सीजन पहुंचता है। वो एल्वेओली ब्लड के साथ मिक्स होती है, जो ब्लड में ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। कल हमने समझा था ना एल्वेओली का काम क्या होता है, कि ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये उसका काम है। तो इसीलिए हार्ट में सबसे पहले ये वेना कावाज वो इम्प्योर ब्लड लेकर आते हैं राइट साइड पे, फिर वो ब्लड पहुंचता है लंग्स में, लंग्स में वो ब्लड प्योर होता है, और फिर वो प्योर ब्लड पहुंचता है यहाँ लेफ्ट साइड पे। प्योर ब्लड कौन कहाँ पहुंचता है? लेफ्ट साइड में पहुंचता है, यहाँ प्योर ब्लड होता है हमेशा। तो इतना एक पॉइंट ध्यान रखो हार्ट के स्ट्रक्चर में, कि उसके राइट साइड पे हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट साइड पे हमेशा प्योर ब्लड होता है। फिर वो प्योर ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है फिर से, और वो प्योर ब्लड पूरी बॉडी में कौन लेके जाता है? तो ऑर्टा। जो नसें पूरी बॉडी में प्योर ब्लड लेके जाती है, उन नसों को क्या कहते हैं? ऑर्टा कहते हैं। ये सब नाम ध्यान रखना, मतलब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि पूरी बॉडी में से जो इम्प्योर ब्लड लेकर आते हैं ना, उन नसों को कहते हैं वेना कावा। जो ये पार्ट्स होते हैं जो पूरी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड लेकर आते हैं, वो वेना कावा कहलाते हैं। और फिर पूरी बॉडी में जो प्योर ब्लड पहुंचाते हैं उसे कहते हैं ऑर्टा, AORTA, ऑर्टा। ओके। और जो लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं ना जो पार्ट्स,
ये हार्ट वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? लंग्स के साथ। लंग्स के साथ जो कनेक्टेड होता है, तो उसमें पहले जो हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है, वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में जो ले जाते हैं ना, लंग्स से जो कनेक्ट करते हैं ना, उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। इसका काम क्या है? तो हार्ट को लंग्स से कनेक्ट करना और हार्ट से इम्प्योर ब्लड लंग्स में ले जाना, हार्ट से इम्प्योर ब्लड लंग्स में ले जाना, उसका काम वो काम करता है पल्मोनरी आर्टरी। और फिर लंग्स में प्योर हो गया, लंग्स में ब्लड प्योर हो जाता है ना, तो वो प्योर ब्लड फिर से हार्ट में ले आने का काम वो पल्मोनरी वेन करते हैं। पल्मोनरी वेन वो हार्ट लंग्स में जो प्योर ब्लड हो जाए उसे हार्ट तक ले आने का काम करते हैं। तो मतलब ये जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स है ना, ये हार्ट को लंग्स के साथ कनेक्ट करता है। आर्टरी वो इम्प्योर ब्लड लंग्स तक पहुंचाता है और वेन वो प्योर ब्लड लंग्स से हार्ट में लेकर आते हैं। ओके और इन चारों चैम्बर्स के बीच में एक ये वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप ये पिंक कलर का देख रहे हो ना, ये एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, जिस पूरी वॉल को कहते हैं सेप्टम। ये वॉल टाइप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। जिसमें जो ऊपर आट्रियम होते हैं ना, ऊपर आट्रियम जो होते हैं उनमें उनमें थिन वॉल होती है, पतली दीवार होती है ऊपर की। जबकि जो नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स में ये दीवार थोड़ी थिक होती है, जाड़ी दीवार होती है। क्योंकि वेंट्रिकल्स में एक पंप की तरह जो है वो कंटिन्यूसली हार्ट चलता रहता है, तो वेंट्रिकल से एक तरह का प्रेशर लगता है हार्ट को, ब्लड को धक्का लगता है कि जिससे वो ब्लड ऊपर की तरफ जाए। जो आप एरो देख रहे हो ना, ब्लड ऊपर की तरफ जाए ऐसा धक्का लगता है। और उस प्रेशर की वजह से, उस प्रेशर देने के लिए यहाँ नीचे की वॉल थिक होती है, ठीक है ना। तो ये वॉल टाइप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। ओके तो ये हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर हुआ ना, हमारा एक मुट्ठी जितना हार्ट है, फिर भी उसके अंदर इतने सारे ये पार्ट्स आए हुए हैं। स्पीडीली एक बार जो है वो ये फिर से रिवाइज कर लो कि देख लो कौन कौन से पार्ट्स इसमें होते हैं। हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के दो चैम्बर्स को कहते हैं आट्रियम, नीचे के दो चैम्बर्स को कहते हैं वेंट्रिकल्स। हार्ट में राइट साइड पे हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, और वो इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी में से कौन लेकर आता है? तो पूरी बॉडी में से वेना कावा लेकर आते हैं। वेना कावा जो पूरी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड लेकर आते हैं, और पूरी बॉडी में प्योर ब्लड वापस कौन ले जाता है? तो ऑर्टा ले जाते हैं। ऑर्टा वो पूरी बॉडी में प्योर ब्लड लेकर जाते हैं। फिर हार्ट कनेक्टेड होता है आसपास लंग्स में। मैं बता ना, दो लंग्स होते हैं हार्ट के, इस तरफ हमारी बॉडी में एक लंग और इस तरफ एक तरफ लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं। तो हार्ट से लंग्स में इम्प्योर ब्लड जो लेके जाते हैं, ये जो एरो देख रहे हो, हार्ट से इम्प्योर ब्लड जो लंग्स में पहुंचता है वो ले जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स में जब ब्लड प्योर हो जाए तो उसे वापस हार्ट में लेकर आते हैं, वो होते हैं पल्मोनरी वेन्स। ओके और हार्ट के बीच में जो ये थिक थिक वॉल होती है जिसे कहते हैं सेप्टम। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर हमें पता चला ना अच्छी तरह से, ये ड्राइंग भी और इनका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना। अब वैसे ही इसके स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग समझें कि इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। तो ये सर्कुलेशन के लिए ये एक प्रोसेस है, आपको एरो की तरह यहाँ पर जो दी गई है ये एक प्रोसेस है। तो समझना है इस प्रोसेस की तरह कि सबसे पहले जो पूरी बॉडी में इम्प्योर ब्लड होता है ना, वो इम्प्योर ब्लड वो हमारी लंग्स तक, सॉरी हार्ट तक पहुंचता है। और वो हार्ट में कौन लेकर आता है? तो जैसे पहले हमने बताया था, वेना कावा लेकर आते हैं। पूरी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड वो कौन लेकर आता है? वेना कावा। तो सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, मतलब ये जो ऊपर की नस यहाँ और जो ये नीचे की नसें होती है, ये जो एरो है, ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा
ये पूरी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड लेकर आते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं राइट एट्रियम में, यहाँ देख रहे हो ना, सबसे पहले राइट एट्रियम में पहुंचते हैं, मतलब यहाँ आपके हार्ट में। राइट एट्रियम से फिर जो ये एरो दिखाई दे रहा है, राइट एट्रियम से वो इम्प्योर ब्लड पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू? तो बीच में ये जो वाल्व होता है उसके थ्रू, जिस वाल्व को क्या कहते हैं, ट्रिस्क्यूपिड वाल्व। तो इस ट्रिस्क्यूपिड वाल्व के थ्रू वो पहुंचता है किस में? राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में जब इम्प्योर ब्लड पहुंचता है, वो इम्प्योर ब्लड वो राइट वेंट्रिकल पंप की तरह काम करता है। नीचे बताया ना, नीचे थिक वॉल होती है और एक पंप की तरह काम करता है। तो ये राइट वेंट्रिकल से वो इम्प्योर ब्लड फिर कहाँ जाता है? ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ये राइट वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड ये दोनों तरफ के एरो में, ये दोनों तरफ एरो में लंग्स में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पे पहुंचता है? लंग्स में। और उन्हें कौन पहुंचाता है? पिल्मिनरी आर्टरी। मतलब राइट वेंट्रिकल से पहुंचता है पिल्मिनरी आर्टरी में, और पिल्मिनरी आर्टरी उसे ले जाते हैं लंग्स में। फिर इस लंग्स के अंदर वो ब्लड प्योरीफाई होता है, मतलब उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन ऐड होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और ऑक्सीजन ऐड करने का काम कौन करता है? तो वो एल्वेओली करते हैं, जो हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस में समझा था। एल्वेओली इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं और ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। तो लंग्स में ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। फिर जब वो ब्लड प्योर हो जाए ना, तो वो ब्लड अब पहुंचता है कहाँ पर? लेफ्ट आट्रियम में, यहाँ ऊपर लेफ्ट आट्रियम में पहुंचता है। लेफ्ट आट्रियम में कौन लेकर आता है? तो पिल्मिनरी वेन्स लेकर आते हैं। पिल्मिनरी वेन्स वो इस लेफ्ट आट्रियम में लेकर आते हैं। फिर लेफ्ट आट्रियम में पहुंच गया, तो उसके बाद वो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे। बीच में एक वाल्व होता है जिसे कहते हैं माइट्रल वाल्व या तो बिस्क्यूपिड वाल्व, दो लेयर का बिस्क्यूपिड। तो लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाए तो उसके थ्रू वो ब्लड जाता है ऑर्टा में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये जो एरो देख रहे हो, वो एरो वो ब्लड जाता है कहाँ? ऑर्टा में। और ऑर्टा के थ्रू वो पहुंचता है रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी के पूरी बॉडी में। तो इस तरह से पूरी बॉडी में जो भी इम्प्योर ब्लड आता है ना, वो हार्ट से आकर फिर से हार्ट के थ्रू ही पूरी बॉडी में पहुंचता है। इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। तो कहते हैं ना, हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। अगर 1 मिनट के लिए भी हार्ट अगर रुक गया, तो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेन वो ये हार्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरी बॉडी का ये ब्लड सर्कुलेशन होता है कि नहीं, फिर से समझ लेना। सबसे पहले वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है, ये एरो को ही समझना और एरो की तरह ही याद रखना, तो याद भी रह जाएगा। सबसे पहले वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से वो पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद वो ब्लड पहुंचता है लंग्स में, वो लंग्स में कौन लेके जाता है? पिल्मिनरी आर्टरी लेके जाती है। ये जो आप कलर में देख रहे हो कि भाई लंग्स में वो ब्लड पहुंचा, फिर लंग्स में वो ब्लड प्योर होता है। प्योर होने के बाद लंग्स से वो ब्लड यहाँ लेफ्ट आट्रियम में पहुंचता है, उन्हें लेकर आते हैं ये पिल्मिनरी वेन्स, दोनों तरफ से पिल्मिनरी वेन्स लेकर आते हैं। तो लेफ्ट आट्रियम में वो ब्लड पहुंचता है, लेफ्ट आट्रियम के बाद वो ब्लड आगे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे ये थिक वॉल वो पंप की तरह उसे झटका देते हैं, मतलब जोर देते हैं, प्रेशर देते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाता है ऑर्टा में, और ऑर्टा के थ्रू फिर पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। ओके, तो ऐसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है, ध्यान है ना। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपका ये चैप्टर 6 वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जैसे हमने ये ट्रांसपोर्टेशन की ये मेथड देखी, ब्लड सर्कुलेशन हमने समझे, वैसे ही इनमें दूसरी मेथड ट्रांसपोर्ट, हमारे लाइफ प्रोसेस की दूसरी मेथड्स, दूसरी प्रोसेसेस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।